गुजरात के बनासकांठा में कुछ लोग पानी के बीच अपने बच्चों के साथ नजर आए। गुजरात में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। ऐसे में लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ भीगते हुए सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल पड़े हैं। ये तस्वीरें गुजरात के बनासकांठा की हैं, जहां जोरदार बारिश ने कई इलाकों की सूरत बिगाड़ दी है। बनासकांठा के कई हिस्से नदी की तरह नजर आने लगे। खराब मौसम के बीच राहत बचाव के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम भी मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि लोगों के घर डूबने लगे हैं। डूबती गाड़ियां छोड़कर लोग खुद को बचाने में जुटे हैं। पानी के बीच कहीं कहीं सड़कें भी नजर आ रही हैं, लेकिन गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल बंद है। बिजली और मोबाइल टावर भी ठप पड़ गए हैं। दो दिन से जारी बारिश की वजह से पालनपुर, डीसा, धनेरा और लाखनी में हर तरफ पानी नजर आ रहा है। लोगों को खड़े होने के लिए सूखी जमीन मिलनी मुश्किल है। भयानक बाढ़ के बीच गुजरात के बनासकांठा से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ एक आदमी बाढ़ और उफनते पानी से बचने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ गया। गनीमत यह रही कि बिजली काट दी गई थी, जिसकी वजह से वो खंभे के ऊपर जिंदा बैठा रहा। इस दौरान एयरफोर्स की टीम वहां पहुंची और उस आदमी की तरफ रस्सी फेंकी गई। इसके बाद उस आदमी को रस्सी के सहारे ऊपर खींच लिया गया और उसकी जान बच सकी। हालांकि प्रशासन लगातार बाढ़ वाले इलाकों से लोगों को बाहर निकालने में जुटा है, लेकिन भारी बारिश की वजह से गुजरात के बनास नदी में पानी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से पाटन जिले में मुसीबत बढ़ गई। गुजरात के पाटन में लोग पानी में फंसे नजर आए। हालांकि पुलिस और एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, लेकिन बनास नदी में पानी छोड़े जाने की वजह से लोग जहां तहां फंस गए। जानकारी के मुताबिक पाटन में 5 गांवों से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। पानी इतना ज्यादा आया कि लोगों की फसल बह गई। प्रशासन लोगों को निकालने में जुटा है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की तादाद काफी ज्यादा है। गुजरात में बाढ़ की वजह से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सेना भी बुला ली गई। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के मुताबिक राजस्थान में हो रही भारी बारिश की वजह नदियों और बांध का पानी बढ़ गया, और बांध का पानी छोड़े जाने की वजह से गुजरात के निचले इलाकों में लोग फंस गए। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी बारिश और बाढ़ के हालात की पूरी जानकारी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वे का फैसला लिया और बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करने गुजरात पहुंच गए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे। बाढ़ का जायजा लेने के बाद उन्होंने गुजरात सरकार को पूरी मदद का भरोसा दिया। राज्य सरकार ने उनको तत्काल मदद दी है, लेकिन प्रधानमंत्री राहत कोष से उनको अतिरिक्त 2 लाख रुपया भी देने की मैं घोषणा करता हूँ। बीती रात सड़क हादसे में एक आदमी की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल पर समय पर इलाज नहीं करने का आरोप लगाते हुए पथराव भी किया। परिजनों ने सड़क पर भी जाम लगाया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले तो समझा बुझाकर जाम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन जब परिवार वाले नहीं माने तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पुलिस वालों ने रोड जाम कर रही महिलाओं को भी जमकर पीटा। फिलीपींस के मारावी में कुछ लोगों के शव को दफनाया जाने लगा। ये लोग मारावी में सेना और आतंकियों के बीच चल रही लड़ाई में मारे गए, इसलिए इन लोगों को मुस्लिम रीति रिवाज के साथ दफनाया गया। सेना और स्थानीय लोगों ने मंगलवार को 27 लोगों के शव को एक साथ दफनाया। शवों को एक जगह पर जमा करके पहले पवित्र जल छिड़का गया, इसके बाद गाड़ियों में शव रखकर कब्र तक ले जाया गया। मारावी में 2 महीने से ISIS और दूसरे आतंकी गुटों के साथ फिलीपींस की सेना की लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान यहां के रहने वाले लोगों को हुआ है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों के साथ जारी संघर्ष में अब तक 45 से ज्यादा आम नागरिक मारे जा चुके हैं। सेना और आतंकियों के बीच ये लड़ाई इस साल 23 मई से चल रही है, जिसके बाद फिलीपींस की सरकार ने इस पूरे इलाके में मार्शल लॉ लगा दिया, जो इस साल दिसंबर तक लागू रहेगा। क्योंकि फिलीपींस की सरकार आतंकियों से सख्ती से निपटने के पक्ष में है और इसके लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। मार्शल लॉ के मुद्दे पर सोमवार को संसद में वोटिंग करवाई गई, जिसमें मार्शल लॉ को लागू रखने का फैसला लिया गया। हालांकि इस दौरान सरकार को विरोध का भी सामना करना पड़ा। लोगों ने संसद के बाहर रैली निकाली और सरकार के इस फैसले का विरोध किया। लोगों का आरोप है कि सरकार सिर्फ मारावी में नहीं बल्कि पूरे मिंडनाओ द्वीप में मार्शल लॉ लागू कर रही है, जिसकी वजह से आम लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। इस कानून का विरोध इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि इसकी वजह से लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि सेना और आतंकियों के बीच जारी जंग में हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। क्योंकि आतंक प्रभावित इलाकों में आए दिन सेना और आतंकियों के बीच संघर्ष होता रहता है। मारावी में ज्यादातर घर आतंकियों का निशाना बन चुके हैं। इस लड़ाई से प्रभावित लोग कैंप लगाकर रह रहे हैं।
मारावी में सुनसान हो चुकी सड़कों पर अब सिर्फ सेना के जवान और गाड़ियां ही दिखाई देती हैं। सेना के जवान और आतंकियों ने खाली पड़े घरों पर कब्जा कर लिया है और वहीं से एक दूसरे पर गोलीबारी कर रहे हैं। जम्मू के राजौरी में पुलिस ने ड्रग्स बेचने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने 2 पुलिस के जवानों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से हेरोइन और चरस के अलावा दूसरे नशीले पदार्थ बरामद किए गए। इन लोगों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। आरोपी लंबे समय से इस इलाके में युवाओं को ड्रग्स भेज रहे थे। गिरफ्तार सभी लोग राजौरी के ही रहने वाले हैं।